दोस्तों नमस्कार। अब तक की सबसे बड़ी खबर मालती चौहान केस को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, मालती चौहान का आरोपी पकड़ा गया और पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है और पूछताछ भी जारी है। दोस्तों पूरी खबर बताएंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आप भी मालती चौहान विष्णु राज के सच्चे वाले फैन है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सच्चाई सबको पता लग जाए कि मालती चौहान केस में सच्चा आरोपी कौन है, किसको सजा मिलनी चाहिए और किसको आजाद कर देना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, मालती चौहान कितनी भोली भाली लड़की थी, सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो बना करके YouTube पर अपलोड करती थी और पैसा कमाती थी। वहीं पर उसके पति विष्णु राज स्टूडियो भी चलाते थे और वीडियो भी बना करके पैसा कमाते थे। लेकिन दोस्तों मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही, अब हम सबको छोड़ करके वह चली गई है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है और कौन है आरोपी, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि मालती चौहान ने अकेले इस काम को अंजाम नहीं दिया है, बल्कि उसके साथ साथ बाकी और लोग भी शामिल हैं। और CID का ऐसा मानना है कि मालती चौहान के पानी में कुछ नशीले पदार्थ मिलाए गए थे, जिसके वजह से वह नशे में हो गई थी और उसके बाद ही विष्णु राज ने ये सब किया और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के किया। और यह भी बताया जा रहा है कि इस घटना का अंजाम कहीं और दिया गया था, फिर उसके बाद घर में लाया गया। हालांकि दोस्तों विष्णु राज को पुलिस ने कस्टडी में लिया था, पूछताछ की और जांच पड़ताल की, उसके बाद अभी उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन पुलिस ने यह सख्त निर्देश दिए हैं कि विष्णु राज को जब भी पुलिस बुलाएगी तो उन्हें थाने में उपस्थित होना पड़ेगा, हाजिरी लगानी पड़ेगी। और इस मामले में गोरखपुरिया भौजी का भी हाथ बताया जा रहा है, उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सब बातों को लेकर के आपका क्या राय है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने मालती चौहान के लिए इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। दोस्तों हालांकि यह खबर सोशल मीडिया से ली गई है, इसलिए इस खबर की पुष्टि यह चैनल नहीं करता है।